नमस्कार दोस्तों, एनटीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में मनुष्य जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया है, जिनका ध्यान सभी को रखना चाहिए। चाणक्य नीति में चार ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिनको महापाप माना जाता है। इन कामों को करने पर मनुष्य को निश्चित ही कई दुखों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए जानते हैं उन्हीं चार कामों के बारे में। नंबर एक, गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान मानना चाहिए। गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाले या फिर गुरु पत्नी को बुरी नज़र से देखने वाले मनुष्य को ब्रह्म हत्या से बड़ा पाप लगता है। दोस्तों, गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह से संभव नहीं है। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। नंबर दो, चोरी करना। आचार्य चाणक्य बताते हैं, जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है वो महापापी माना जाता है। दोस्तों, किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने से मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चोरी करने पर उसके साथ साथ उसके मित्रों और परिवार को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तमिश्र नामक नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को कभी भी यह पाप नहीं करना चाहिए। नंबर तीन, शराब पीना। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं, स्त्री हो या पुरुष, सभी को शराब से दूर ही रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की शराब पीने से मनुष्य महापाप का भोगी बन जाता है। ऐसे मनुष्य पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते और उसे हमेशा परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नामक के नरक में यातनाएं दी जाती हैं। मनुष्य को कभी भूल कर भी शराब नहीं पीना चाहिए। नंबर चार, ब्राह्मण की हत्या। दोस्तों, ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। चाणक्य नीति में ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं, ब्राह्मणों को पूजा करने के योग्य माना जाता है। अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से भी किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, क्योंकि यह महापाप माना जाता है। ऐसा कार्य करने वाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सिर्फ ब्रह्म हत्या करने वाला ही नहीं, बल्कि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को कुंभीपाक नामक नरक में यातना सहनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य को भूल कर भी ब्रह्म हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।